नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सो आज हम बात करने वाले हैं सभी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले देखो, आप लोग इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे कि नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है। सो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मिलेंगे। उसका क्या मतलब है, जो नॉर्थ दिल्ली के अंदर कॉलेजेस है उसको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बोल दिया जाता है, जो साउथ दिल्ली के अंदर है उसे साउथ कैंपस के कॉलेजेस बोल दिया जाता है। और देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि नॉर्थ कैंपस वर्सेस साउथ कैंपस, ये कॉलेज अच्छे हैं, ये कॉलेज बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कॉलेज अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही है। सो आज हम नॉर्थ कैंपस की बात कर रहे हैं। सो मैं नॉर्थ कैंपस के बारे में बताऊंगा, साउथ कैंपस की वीडियो में फिर कभी बनाऊंगा। सो मैं नॉर्थ कैंपस 3-4 साल रहा हूँ, और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो शायद आपको वेबसाइट पर ना मिले, और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप वेबसाइट चेक करेंगे तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको दिखते हैं। उसके अंदर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज भी है क्योंकि वो नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, लेकिन कैंपस का जो एरिया है उसके अंदर वो कॉलेज नहीं है, वो बहुत दूर है। तो जो कैंपस का जो एरिया है उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा मिरांडा कॉलेज है, जो कि गर्ल्स कॉलेज है और ऑल इंडिया का रैंक 1 कॉलेज है NIRF के अकॉर्डिंग। इसके बाद मिरांडा के बाद वहां पर आता है रामजस कॉलेज, और हिंदू है, स्टीफंस है, हंसराज है, KMC है, इसके अलावा DRC है, और फिर SRCC है, और HGTV खालसा कॉलेज है। तो ये जो कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस की बाउंड्री के अंदर है, एक्चुअली बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं इनकी बाउंड्री एक से दूसरे कॉलेज की टच है, और इस तरह से पूरी कॉलोनी बनती है कॉलेजेस की। सो उसी को बोलते हैं नॉर्थ कैंपस। इसके अलावा एक नॉर्थ कैंपस के अंदर इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी है, IP कॉलेज, जो कि गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके अलावा एक सत्यवती कॉलेज है, वो भी 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन जो इस तरह की मैं बता रहा हूँ आपको, जो कॉलोनी है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की बाउंड्री टच है, तो उसके अंदर ये 10-12 कॉलेजेस ही आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है, और बाकी जो कॉलेजेस हैं वो कहाँ पर है। सो इस तरह का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 1 कॉलेज। अब देखिए, हर स्टूडेंट के लिए नंबर 1 कॉलेज कोई और है। अब मैं बताऊं कि नॉर्थ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, सो ये कह पाना इतना आसान काम नहीं होगा। अब वो आसान कैसे नहीं होगा, मान लीजिए कि मैं बोल देता हूं कि NIRF के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 कॉलेज है पूरे इंडिया का, वो मिरांडा कॉलेज है, जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर है। अब मैंने आपको बोल दिया कि नंबर 1 कॉलेज जो है वो मिरांडा कॉलेज है, लेकिन मिरांडा एक गर्ल्स कॉलेज है, तो जितने भी लड़के हैं उनके लिए वो नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें तो एडमिशन उसके अंदर नहीं मिलने वाला है। सो उनके लिए नंबर 1 कौन सा हो सकता है, उनके लिए नंबर 1 कोई और कॉलेज होगा। अब मिरांडा के अंदर BCom नहीं होती है, BCom ऑनर्स, तो जो लड़कियां BCom ऑनर्स करना चाहती है उनके लिए भी मिरांडा नंबर 1 नहीं होगा, उनके लिए नंबर 1 होगा SRCC, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब देखिए, वो लोग जो आर्ट्स और साइंस के कोर्सेज करना चाहते हैं, अब वो ना तो SRCC में होते हैं, अगर आप लड़के हैं तो मिरांडा में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो आपके लिए नंबर 1 हो जाएंगे स्टीफंस, और इसके साथ साथ हिंदू कॉलेज, तो ये दोनों आपके लिए नंबर 1 हो जाएंगे। इसके अलावा इन कॉलेज के अंदर BCom वो क्या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स नहीं है, सो जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाहता है उसके लिए नंबर 1 हंसराज कॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर 1 की जो पर्सपेक्टिव है वो हर इंसान के लिए अलग है, हर स्टूडेंट के लिए उसका नंबर 1 कॉलेज जो है वो डिफरेंट है। आई होप आप समझ गए हैं कि नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम बात करते हैं NIRF के बारे में, कि NIRF के अंदर नॉर्थ कैंपस के कौन कौन से कॉलेजेस किस किस रैंक पर है। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि गवर्नमेंट हमें रैंकिंग देती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की पूरे इंडिया के अंदर। सो हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको इंडिया के परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर नॉर्थ कैंपस के किन कॉलेजेस की क्या रैंक है। तो यहाँ पर नंबर 1 कॉलेज जो है मिरांडा है, जो कि पिछले 3 साल से चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। नंबर 2 पर LSR है, जो कि साउथ कैंपस का एक कॉलेज है। अब देखो, हाँ, काफी लोग कहते हैं कि साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज नहीं है, तो देखो LSR जो है वो टॉप 2nd कॉलेज आता है पूरे इंडिया में। इसके बाद नंबर 3rd पर हिंदू कॉलेज है, जो कि नॉर्थ कैंपस का है। उसके बाद 4th पर स्टीफंस है, और ये मैं 2020 की आपको बता रहा हूँ रिपोर्टिंग। रैंक 9th पर जो है वो हंसराज कॉलेज है, बीच में जो कॉलेजेस हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। रैंक 12th पर SRCC आता है। इसके अलावा रैंक 13, 14, 15, 16 पर साउथ कैंपस के कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि ARSD है, बैंकी है, दीनदयाल उपाध्याय है, इसके अलावा गार्गी कॉलेज है। 18th पर भी नॉर्थ कैंपस से बाहर का कॉलेज है, ANDC कॉलेज है। इसके बाद अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं तो यहां पर 19th और 26th रैंक नॉर्थ कैंपस के 2 कॉलेजेस को मिली है।
जिनमें से किरोड़ीमल कॉलेज है और दूसरा डीआरसी कॉलेज है। सो आई होप आप समझ गए हैं कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस भी रैंक टॉप लिस्ट में हैं और साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी टॉप लिस्ट में है। सो ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे NIRF की रैंकिंग है। अब बात करते हैं फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स की। सो मान लीजिए आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस के अंदर हुआ है मास्टर डिग्री के अंदर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। सो अगर आपका एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ है तो मान लीजिए कि आपको हंसराज में एडमिशन मिल गया किसी भी कोर्स के अंदर, सो आपकी जो क्लासेस होंगी वो हंसराज कॉलेज के अंदर नहीं लगेंगी। आपको अगर रामजस में या फिर किसी और कॉलेज में मिलता है तो आपकी जो क्लासेस होंगी पर्टिकुलर उस कॉलेज के अंदर नहीं लगेंगी, सिर्फ आपका नाम उस कॉलेज के अंदर लिखा जाएगा। जो आपकी क्लासेज लगेंगी वो आपकी फैकल्टी के अंदर लगेंगी। वहां पर दो फैकल्टीज है, आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी। सो जितने भी कॉलेजेस के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं मास्टर डिग्री के अंदर उनकी सारी की सारी क्लासेस आर्ट्स फैकल्टी के अंदर लगती हैं और जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी साइंस फैकल्टी के अंदर लगती है, किसी की भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर नहीं लगती मास्टर डिग्री की क्लासेस। कुछ क्लासेस लग सकती हैं लेकिन सारी नहीं लगती। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि नाम सिर्फ कॉलेज का मिलेगा मास्टर डिग्री के अंदर लेकिन क्लासेस आपकी फैकल्टी के अंदर लगेंगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ कैंपस के अंदर और क्या क्या है तो यहाँ पर हमारे पास लॉ फैकल्टी भी है। अगर आप LLB करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद LLB कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम देकर। तो उसके लिए भी एक अलग से यहाँ पर हम बोल सकते हैं लॉ सेंटर बनाए गए हैं। 3 लॉ सेंटर हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें LLB करनी है, क्या हंसराज कॉलेज कराता है, क्या हिंदू कॉलेज कराता है? तो ये कॉलेजेस LLB नहीं कराते हैं। अगर आपको LLB करनी है ग्रेजुएशन के बाद तो अलग से लॉ सेंटर्स बने हुए हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर, आपको वहां पर एडमिशन लेना होगा। सो आई होप आप समझ गए हैं कि नॉर्थ कैंपस के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, आर्ट फैकल्टी और साइंस फैकल्टी क्या है, इसके साथ साथ लॉ सेंटर्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं उस कॉलेज के बारे में जो कि हाई प्लेसमेंट देता है। सो देखिए नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर लगभग ज़्यादातर कॉलेज के अंदर अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन अगर मैं किसी एक कॉलेज का नाम लूँ तो शायद वो SRCC होगा, क्योंकि वहाँ पर BCOM ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स कोर्स ही है। तो उसके अंदर जिस तरह की कंपनीज आती हैं, कॉरपोरेट कंपनीज आती हैं, वो एक अलग तरह की होती हैं और वहाँ की जो प्लेसमेंट होती है वो काफ़ी हाई होती है। वैसे दूसरे कॉलेजेस की भी होती है लेकिन बाकी के कंपैरिजन में उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसके अंदर पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें नाम आएगा रामजस कॉलेज का। वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है। अब ये नेगेटिव फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है वो आपस छोड़ देता हूँ मैं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर हाईएस्ट कट ऑफ जाती हैं। तो देखिए आई होप आप सभी को पता है कि कट ऑफ जो है वो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा जाती हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि 2016 के अंदर खालसा कॉलेज की कट ऑफ जो थी HTTP खालसा कॉलेज जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स की कट ऑफ 99.25 तक चली गई थी। सो ये बहुत हाई कट ऑफ थी, लेकिन 2020 जैसे ही आया तो आई होप आपको सबको पता है कि यार LSR की कट ऑफ जो है वो 100% टच हो गई थी दो कोर्सेज की। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं, हिंदू है, SRCC है, हंसराज है, इन कॉलेजेस की कट ऑफ तो 99.75 तक गई थी। सो वो जो हाई कट ऑफ थी HTTP खालसा की वो क्रॉस हो गई थी 2020 के अंदर। सो सभी कॉलेजेस की अब हाई कट ऑफ जाती है, चाहे आप किसी भी एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सो सभी कॉलेजेस की हाई कट ऑफ जाती है, चाहे वो DRC है, रामजस है, KMC है, सभी की। इसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा किस बारे में हम बात करनी है या तो नॉर्थ कैंपस के अंदर गर्ल्स कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं वो 3 कॉलेज आते हैं। सबसे पहले मिरांडा है, उसके बाद DRC है और एक नॉर्थ कैंपस से थोड़ा सा दूर है लेकिन नॉर्थ के अंदर ही उसे हम इंक्लूड करते हैं, वो है IP कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज। और बहुत बार स्टूडेंट्स IP कॉलेज और IP यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो IP यूनिवर्सिटी अलग है और IP कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज वो अलग है। सो ये कॉलेजेस आते हैं जो साउथ कैंपस जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी किसके अंदर अच्छी है, किस कॉलेज के अंदर। तो नो डाउट यार हर कॉलेज के अंदर अच्छी है, तभी वो रैंकिंग में बहुत टॉप लेवल है। SRCC की आप देख सकते हैं या फिर हिंदू की आप देख सकते हैं, हंसराज की आप देख सकते हैं, सभी कॉलेजेस की अच्छी है। अगर मैं बात करूं कि स्टीफन्स और हिंदू कॉलेज की, तो ये दोनों कॉलेज काफ़ी चर्चा में रहते हैं इनके प्लेसमेंट्स को लेकर, इनके झगड़ों को लेकर भी कभी कभी, और इनके हर चीज़ को लेकर। अगर मैं बात करूं कोई ऐसा कॉलेज जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन कभी भी चर्चा में नहीं रहता, अपना खुद का काम करता रहता है चुपचाप, तो वो हंसराज कॉलेज होगा। सो हंसराज कॉलेज कुछ इसी तरह का है, वो काफ़ी अच्छा है रैंकिंग के अंदर और कभी भी किसी चर्चा का विषय नहीं बनता है हंसराज कॉलेज, वो काफ़ी सही है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको डीआरसी कॉलेज की, तो डीआरसी काफ़ी अच्छा कॉलेज है अगर आपको ऑप्शन मिलता है नॉर्थ कैंपस का। तो डीआरसी की जो कट ऑफ्स है वो बाकी कॉलेज की कट ऑफ्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। आप लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ्स भी देख सकते हैं, उससे पहले की कट ऑफ्स भी देख सकते हैं। सो अगर आप एक लड़की हैं और आपकी कट ऑफ्स थोड़ी सी कम है और आपको एडमिशन चाहिए, तो आप डीआरसी में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनके फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, सो नो डाउट यार पूरे दिल्ली के अंदर लगाकर चलिए कि आप SRCC का नंबर वन फेस्ट होता है। वहां पर जो बजट होता है वो करोड़ तक जाता है। अगर मैं बात करूं कि दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो वो हिंदू कॉलेज आता है, उसका बजट भी लगभग उतना ही होता है। इसके बाद जो आता है वो मिरांडा कॉलेज आता है। सो ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए जिन कॉलेजेस के अंदर फेस्ट अच्छे होते हैं, सोसाइटी अच्छी होती है, इवेंट ज़्यादा होते हैं, उसी कॉलेज के अंदर एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है। सो ये वो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। आई होप मैंने नॉर्थ कैंपस के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी दी होगी और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है, किस कॉलेज के अंदर क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। वैसे देखिए किसी कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है कि अच्छा ना हो कुछ, सब कॉलेज अपनी जगह पर अच्छे हैं। सो यही था एक छोटा सा रिव्यू नॉर्थ कैंपस का। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस आती रहेंगी नॉर्थ कैंपस से रिलेटेड। और अगर मैं कुछ भी भूल गया हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सो अगर मैं कुछ भी भूल गया हूँ तो कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट आपको मिल जाएगा, मैं जो भी चीज़ें भूल गया हूँगा उसके बारे में। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो शुक्रिया।